इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो गए होंगे क्योंकि आगे पीछे आपको नर्स और डॉक्टर नज़र आ रहे हैं और बीच में दो लोग, दो लेडीज़ के हेयर कट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दूं कि विश्व कैंसर दिवस पर दिल्ली के एम्स अस्पताल की ये मुहिम रंग लाई है। इस मुहिम के जरिए डॉक्टर और नर्स ने अपने बाल दान दिए हैं और ऐसे मरीजों को बाल दान दिए हैं जिनसे उनका भला हो सके। यानी ये जो बाल ये कटवा रहे हैं इनसे बिग तैयार होगी और कैंसर पीड़ितों के इलाज में काम आएगी। वो इनका इस्तेमाल कर दुनिया में अच्छे से रह पाएंगे। उनको अच्छा लगेगा कि हाँ किसी ने उनको बाल डोनेट किए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कीमोथेरेपी क्या होती है, जिसके बाद कुछ लोगों के बाल जो हैं वो सिर से गायब हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ भाई, इंसानियत जिंदा है और लोग आज भी एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, आगे आ रहे हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, फॉलो हो जाता है। और एक हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट से हेयर उनके लिए एक विग उनके लिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, उनके कॉन्फिडेंस को अपने बाल खो देते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, जिसका बहुत ज़्यादा मेंटली और साइकोलॉजिकली एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो जितने बाल हमें मिलेंगे उतनी ज़्यादा विग्स हम दे पाएंगे मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे उनका साइकोलॉजिकली मनोबल बना रहे। तो दिस इज अ वेरी गुड डोनेशन ड्राइव विच हैज बीन डन बाय वी, लेट्स जॉइन टुगेदर, वी जॉइन टुगेदर एंड वी होप वी आर एबल टू डू सच ड्राइव्स इन द फ्यूचर। और ये जानना जरूरी है कि काफ़ी सारे पेशेंट जो कैंसर के होते हैं उनमें जब भी कीमोथेरेपी लेते हैं तो हेयर लॉस होता है, तो उससे वो बड़े दुखी रहते हैं और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और आउटकम पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए इन लोगों को एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल एंड एज नॉर्मल एज पॉसिबल दिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी या हेयर का रोल बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये जैसे दिखते हैं, अगर इनको अच्छे अच्छे विग बना के दें और ये विग पहनते हैं, तो इनकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत अच्छा होता है और इसकी कैंसर पे आउटकम बहुत।